हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कुठेड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार और अनुराग पर निशाने साधे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि सांसद अनुराग अपने क्षेत्र के कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से धूमल को हार का सामना करना पड़ा। अब वो भी अपने बेटे के नाम पर कैसे वोट मांगे। अनुराग ठाकुर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो अपने पिता के नाम पर क्यों वोट नहीं मांग लेते, जबकि वो भी दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस दौरान कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिन्हें हार पहनाकर पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान उन्होंने कुठेड़ा से करीब 500 गाड़ियों सहित एक विशाल रोड शो निकालकर भाजपा की नींद भी उड़ा दी। रोड शो निकालकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान पटलांदर से शुरू हुए रोड शो में करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ रामलाल ठाकुर सुजानपुर पहुंचे। रामलाल ठाकुर के साथ सुरेश ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, तेजस्वी बाबूराम, अंजना दीवान, तिलकराज के अलावा सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने रोड शो में हिस्सा लिया। कुठेड़ा में पहुंचने पर काफिले का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रामलाल ठाकुर के समर्थन में जीत के नारे बुलंद किए। कुठेड़ा से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।